हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आपको पता ही है कि वैलेंटाइंस डे दरवाजे पे नॉक ही दे रहा है, तो मेरे जो छोटे छोटे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर हैं, कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग गर्ल, उनके लिए मैं एक बहुत ही हॉट सेक्सी येट एलिगेंट लुकिंग जो स्टाइल है, साड़ी ड्रिपिंग स्टाइल है, उसको लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। टिप नंबर वन तो ये है, आप जब भी साड़ी ड्रिप करो तब आपने जो हील को पहनना है, जो भी आप हील्स पहनना चाहते हो साड़ी के नीचे, तो वो ऑलवेज पहन लो, ताकि आपको हाइट की जो मतलब हाइट है आपका वो प्रॉपरली उभर आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से पतला साड़ी लेंगे। आप ऑलवेज पतला साड़ी को चूज़ करो, क्योंकि आप पहली बार हो, बिगिनर्स हो, तो आप उतना हैवी साड़ी कैरी नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से साड़ी को अपने चारों ओर अच्छे से टकिंग कर लो। टकिंग कहाँ तक करना है, जहाँ पे हमारा ब्रेस्ट आता है तो उस एरिया तक ही हमको टकिंग करना है। बाकी का क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे साड़ी को एज इट इज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पल्लू का पोर्शन है उसको हम रफली गैदर करेंगे, लेकिन रफली गैदर करेंगे वो भी तीन उंगली के साथ। तीन उंगली के साथ हम बार 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 इसको, आपको अगर नहीं पता है, आप फर्स्ट टाइम साड़ी पहन रहे हो तो आप देख लो, इस तरीके से तीन उंगली के साथ हमारा काम होगा साड़ी ड्रिपिंग का। तो इसको अभी हम रफली गैदर करके जस्ट अपने पीछे से लेके हम क्या करेंगे, जस्ट उसको अपना जो नी लेंथ है, जहाँ पे आपका नी आता है जिस एरिया में, उस तक रखेंगे और उसको वहाँ तक ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीछे से साड़ी को इस तरीके से खींचेंगे एंड ऊपर वाला बॉर्डर जहाँ पे है उसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऊपर वाला बॉर्डर कहाँ पे है। ऊपर वाला बॉर्डर को हम हाथ में लेके इस तरीके से हम हाथ में लेंगे, और हाथ में लेने के बाद अच्छी तरीके से उसको हम पीछे से खींचेंगे, अपने पीछे से खींचते हुए लेके आएंगे। एंड देखिए, ये वाला स्टेप को देखिए, पीछे से हम ज़रूर बहुत ज़ोर से खींचेंगे एंड खींच के लेके आएंगे। हाँ, ये इतना ज़ोर भी मत लगाना कि साड़ी फट जाए। इसको इस तरीके से खींचना एंड खींचने के बाद इस तरीके से जो एक कर्वी फिगर आपका इन्हेंस करेगा, यही वो स्टेप है जिससे क्या होगा, आपका कर्वी फिगर उभर के बाहर आएगा। एंड इस तरीके से हम सामने की ओर हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन ले लेंगे, छोटा सा सेफ्टी पिन लेंगे। उसके बाद साड़ी को हम नीचे से उठाएंगे एंड उठाने के बाद इस तरीके से हम क्या करेंगे, साड़ी को ट्विस्ट करेंगे। अच्छे से ट्विस्ट करने से क्या होता है कि आप जब भी अच्छे से ट्विस्ट करोगे तो आपका साइड वाला जो हिस्सा है ना, उसमें छोटा 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 क्रीज आ जाएगा, जो कि वंस अगेन आपको एक परफेक्ट बॉडी हगिंग जो साड़ी ड्रिप है उसको दिलाने के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए आप क्या करना, उसको कमर में उसको टकिंग कर लेना। कर लेने के बाद जो रिमेनिंग साड़ी है ना, उसको हम इस तरीके से हाथ में लेंगे एंड हाथ में लेने के बाद वंस अगेन आपको जो फंडा सिखाया था, तीन उंगली का फंडा, उस तरीके से हम साड़ी को छोटे 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 प्लीट्स में, लगभग 3-4 इंच के प्लीट्स में हम छोटे छोटे हम उसको प्लीट बनाएंगे अच्छी तरीके से। एंड प्लीट्स को सारे को एक साथ ला के इस तरीके से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आयरनिंग का काम करेंगे, हाथ से ही हम लोग आयरन कर लेंगे एंड उसको हम अपने नवल बटन जहाँ पे है उस एरिया में टकिंग कर लेंगे। टकिंग करने के बाद आपको हम दो स्टाइल दिखाएंगे। देखिए, साड़ी को मैंने क्या किया, पल्लू को बनाने के लिए साड़ी को उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद इस तरीके से अगर पल्लू को बनाओगे ना, तो पल्लू हमेशा ही सीधा बनेगा। उल्टा करके आपको सीधा बनाना है, जिससे क्या होगा, पल्लू हमेशा सीधा होके बैठेगा हम लोग, और पल्लू क्या होगा, छोटा बड़ा ना हो, इसलिए हमेशा 4 इंच जो डिस्टेंस होता है वो परफेक्ट डिस्टेंस होता है। अभी देख लो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा सेफ्टी पिन लिया एंड पिनअप कर लिया अच्छे से, मेरा पल्लू को कंधे में पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद ये वाला हिस्सा जो थोड़ा सा लूज है ना, दिखने में ख़राब है, डोंट वरी, ये ऐसा नहीं रहने वाला है। उसको हम खींचेंगे इस तरीके से एंड अपने जहाँ पे हमारा प्लीट्स है नवल बटन के पास, वहाँ पे एक सेफ्टी पिन लेंगे एंड सेफ्टी पिन लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पिनअप कर लेंगे उस एरिया में ही। देख लो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पिनअप कर लेंगे। एंड पिनअप हो जाने के बाद आप कोई भी एक
बेल्ट हो, मेरे तो इस ब्लाउज़ के साथ ही ये बेल्ट को मिला है, लेकिन अगर इस तरीके से बेल्ट नहीं हो तो बेल्ट आप इजीली कोई भी लेस को इस तरीके से बना के बेल्ट बना सकते हो, जो इस टाइप के लुक, जैसे वैलेंटाइंस डे हो, फेयरवेल पार्टी हो, जिसके लिए बहुत ही मस्त लगेगा दोस्तों। एंड ये एक स्टाइल हो गया, उसी के साथ मैं दूसरा स्टाइल दिखाने वाली हूँ। दूसरा स्टाइल में मैंने क्या किया, जिस पोर्शन को लूज छोड़ा था उसको खींच के मैंने इक्वल किया। इक्वल करने के बाद इस तरीके से मैंने साड़ी को क्या किया, पूरे अपने चेस्ट को कवर किया एंड मैंने कमर में एज इट इज़ बेल्ट को इस तरीके से पहन लिया। अब पहनने के बाद दोस्तों देखना कितना बढ़िया से लुक जो है वो उभर के बाहर आता है। देख लो इस तरीके से अगर ड्रेस अप करके जाओगे तो आपको वो जो फेवरेट वाला इंसान है जिसके लिए आप ड्रेप करने वाले हो वैलेंटाइंस डे में ना, वो आपसे नज़र नहीं हटा पाएगा, ये तो फॉर श्योर है। और बेल्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप दर्जी दुकान में अभी से जाके, क्योंकि आज 6 तारीख है, टाइम तो बहुत ज़्यादा है, अब जाके इस तरीके से कस्टमाइज बेल्ट बना सकते हो। तो अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।